Good morning, everyone. Okay, so now we know the sound of all the letters. अब हमें सारे letters के sound याद है ना? A to Z by heart हो गए सारे sounds. तो अब हमें आज क्या करना है? हम जो अपने notebooks में 10-10 words लिखते हैं ना, हमें अब practice करना है dictation का कि हम dictation कैसे करेंगे, ठीक है? तो आज हम यही अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे कि हमें डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करते रहना है, ठीक है? कैसे करेंगे? जैसे मैम आपको एक वर्ड बोलेगी, मैम ने बोला आपको रैट रैट, तो आप उस वर्ड को ध्यान से पहले सुनोगे कि किसका साउंड आ रहा है. मैम आपको बोलेंगी र, तो आप र के लिए क्या लिखोगे? र के लिए आप लिख दोगे आर. फिर मैम बोलेंगी ए, तो ए के लिए क्या लिखोगे? ए. फिर ट, तो ट के लिए लिखोगे टी. र एट रैट, ठीक है? ऐसे ही हम अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें कैसे डिक्टेशन करना है. ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट डूइंग विद मी. तो हम नोटबुक में एक फ्रेश पेज निकालेंगे, ठीक है? और एकदम पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, सारा पेज निकाल के हम एकदम रेडी रहेंगे और हेडिंग डाल देंगे. हम क्या करेंगे? डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और ये प्रैक्टिस हमें एक दिन या दो दिन नहीं करना है, ये हमें प्रैक्टिस रोज़ करते रहना है, ठीक है? हमने ए ई आई ओ यू, हमने सारे साउंड वर्ड्स लिखे थे 10-10. अब हम ऐसे ही सारे साउंड वर्ड्स के एक साथ प्रैक्टिस उसे करते रहेंगे. पर हमें कैसे करना होगा? मम्मा आपको वर्ड बोलेगी और आपको वो लिखना होगा, ठीक है? यहाँ पे हम नंबर्स डालते हैं, ठीक है? मार्जिन के लेफ्ट साइड हम नंबर्स डालते हैं. तो हम फर्स्ट नंबर डालेंगे. अब मैम आपको वर्ड बोलेगी और आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें. फर्स्ट वर्ड है, ध्यान से सुनोगे वर्ड, मैन. फर्स्ट वर्ड है मैन. म ए न, ठीक है? म एन मैन लिखा आपने. अब मैम भी लिख रही हैं, म ए न. क्या यही लिखा है आपने? म एन मैन. चलो सेकेंड वर्ड लिखोगे रेड, जो कलर होता है रेड. र ए ड, र ए ड. जल्दी लिखोगे र ए ड रेड. मैम भी लिख रही हैं, र ए ड रेड. यही लिखा है आप लोगों ने. चलो देन थर्ड वर्ड लिखोगे पिग. थर्ड वर्ड है पिग. प ई ग, प ई ग. ओके, देन राइट डाउन फोर्थ वर्ड. फोर नंबर डालोगे, फोर्थ वर्ड लिखोगे हॉट. हॉट, ह ओ ट, हॉट. ह ओ ट हॉट. ओके, देन नंबर फाइव. फोर के बाद नंबर फाइव, जैसे आप वर्ड लिख लोगे ना, अपने आप फोर के बाद हम फाइव लिख लेंगे. फाइव पे लिखो सन. सन, स अन सन. ओके,
then number 6, write down fog, 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 fog का साउंड आ रहा है, fog, ठीक है, तो fog, fog, then number 7, number 7 पे लिखोगे rat, rat, beginning sound क्या है, rat, rat, a, a किसका sound होगा, a का, rat, and ending sound है t, तो t कौन से letter का sound है, t का, so rat, r-a-t, rat, चलो, then number 8 पे लिखोगे leg, leg, l, beginning sound है l, e, अब मैम बोल रही है e, छोटा वाला e, तो क्या a लिखेंगे हम, no, e होता है e का sound, तो हम लिखेंगे e, और leg, ending sound है g, तो लिखेंगे G, ठीक है, now 9th पे write down big, big, b, e, g, big, b, e, g, big, b, e, g, big, then last number 10 write down cut, k a t, cut, k, cat, k, cat, k लिखोगे, kite, k नहीं लिखना, cat, k, then a, t, k a t, cut, तो ऐसे ही हमें dictation की practice करनी है रोजाना, ठीक है, मामा आपको words बोलेंगी और आपको वो अपनी notebook में ऐसे practice करना है, इससे क्या होगा, हम एकदम perfect हो जाएंगे 3-letter words में लिखने में और हमारे sounds भी clear होते रहेंगे रोज, okay, so keep practicing.